एक अप्रैल है और केदारनाथ अग्रवाल का जन्मदिन है। तो आज अग्रवाल भारत के प्रगतिशील कवि में बहुत अग्रणी कवि रहे हैं और हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज जलद साहब उनकी कुछ कविताएं सुनाएंगे। जलद साहब ने उनको बहुत करीब से देखा है, उनके साथ रहे हैं और उनके बहुत सारे अनुभव उनके साथ हैं। तो उस पर हम केदारनाथ जी की कुछ कविताएं उनसे सुनते हैं। तो सर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आप बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं कविता को लेकर, और ये ध्यान रखना कि आज उस बड़े कवि का जन्मदिन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के नाम को उजागर करने का साहित्य के रास्ते से किया है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी वो कवि सम्मानित है, अनेक महत्वपूर्ण पुरस्कारों से। मैं खुद केदारनाथ अग्रवाल जी के गांव का ही हूँ और आखिरी दम तक उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य मुझे मिला है। निश्चित है कि जो इतने बड़े कवि के साथ कोई भी रहे, कोई ना बड़ी अनुभूतियां उपस्थित करने में आसानी हो जाती है। समय कम है, इसलिए जन सरोकार मंच संघ राजस्थान का जो महत्वपूर्ण मंच है, ये आग्रह को मानता हुआ और केदारनाथ अग्रवाल जो प्रगतिशीलता की धारा के शिखर कवि है, उनके संदर्भ में उनकी कुछ कविताएं प्रस्तुत करते हुए बताना चाहूंगा। बहुत क्रांति धर्मा कवि है जिन्होंने कभी भी विसंगतियों को, अनर्थों को जहां भी देखा, जहां भी समझा, खेत खलिहान से लेकर के गांव से लेकर के शहरों तक की उन्होंने सारी स्थितियों को रह रह करके जाना है। तमासिन गांव था, वहां पर रहना, खेत खलिहान को देखना और फिर इसके बाद शहर में रहना, शहर के जीवन को देखना। ऐसा व्यक्ति जो सब जगह को देख लेता है, जंगल को भी देख लेता है, झील को भी देख लेता है, गांव को भी देख लेता है, खेत खलिहान को भी देख लेता है और शहरी संस्कृति को भी जान लेता है, तो वो कविता के सारे दरवाजों को खोल सकने में समर्थ हो जाता है। केदारनाथ अग्रवाल ने जीवन में शुरू से ही संघर्ष को झेलते रहे हैं और कभी भी हारने का काम नहीं किया। उनकी कुछ पंक्तियां देखिए, कितनी कर्मठता है कि हारा हूँ सौ बार, हारा हूँ सौ बार गुनाहों से लड़ लड़ कर। 20 बार हारने के बाद तो हम कोरी का और देखा होगा कि कितनी बार जीतने की सफलता मिली थी, और केदारनाथ अग्रवाल जी कह रहे हैं कि हारा हूँ 100 बार गुनाहों से लड़ लड़ कर, क्या बात है, लेकिन बारंबार लड़ा हूँ मैं उठ उठ कर। एक कवि की हिम्मत और हिम्मत की अभिव्यक्ति देखिए। हारा हूँ 100 बार गुनाहों से लड़ लड़ कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूँ मैं उठ उठ कर, इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा।
इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा। मैंने अपने जीवन को इस तरह उबारा। केदारनाथ अग्रवाल जी, निश्चित रूप से यह आपको जान करके प्रसन्नता होगी कि अपनी माटी से, अपनी धरती से, अपने देश से असीम अनुराग उनकी कविताओं में दिखा है। वो कहते हैं कि अपनी कविता में कि मर जाऊंगा तब भी तुमसे दूर नहीं हो पाऊंगा। जरा मजा देखिए कि हाँ। मर जाऊंगा तब भी तुमसे दूर नहीं हो पाऊंगा, मर जाऊंगा तब भी तुमसे दूर नहीं हो पाऊंगा। मेरे देश, तुम्हारी छाती की मिट्टी मैं हो जाऊंगा। जरा पंक्तियां देखिए देवेंद्र जी, मेरे मैं मर जाऊंगा तब भी तुमसे दूर नहीं मैं हो पाऊंगा। मेरे देश, तुम्हारी छाती की मिट्टी मैं हो जाऊंगा। मैं कहूंगा कल भी, परसों भी और भी बरसों भी, लेकिन अब भूमि में गड़ कर नहीं, पांव से दबकर नहीं, चेतक की ताप रख कर, हट कर, लड़ कर। ये केदारनाथ की कविता है जी। कविता आप देखें जी कि किसान, किसान और धरती, ये आप एक तरह से अन्य कविताओं में आपको नहीं मिलेगा। इस धरती पर एक से एक जमींदारों ने, धनपतियों ने, पूंजीपतियों ने जमीन पर कब्जा, तभी जमींदार कहलाते थे। ऐसे कैसे हो सकते थे जमींदार? केदार बाबू पहले ऐसे कवि हैं जो बताया है कि ये धरती किसकी है या किसकी होनी चाहिए। ये कविता में देवेंद्र जी देखिए, यह धरती है उस किसान की, यह धरती है उस किसान की, जो बैलों के कंधों पर बरसात धान में, जो बैलों के कंधों पर बरसात धान में जुआ भाग का रख देता है, खून चाटती हुई वायु पैनी उसी खेत के भीतर दूर कलेजे तक ले जाकर जोत डालता है मिट्टी को पांच डाल कर, और बीज फिर बो देता है नए वर्ष में, नए फसल के ढेर अन्न का लग जाता है। यह धरती है उस किसान की, नहीं कृष्ण की, नहीं राम की। कितनी सांप्रदायिकता के लिए राम कृष्ण होती है आज के लोगों ने, सियासत के लोगों ने भी उनकी सारी दुनिया उनके नाम कर दी है, और सांप्रदायिकता का अर्थ लेकर के जनता को तबाह करते हैं। वही केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं, ये धरती आदमियों की बात तो कुछ बहुत दूर, लेकिन वो कहते हैं यह धरती है उस किसान की, नहीं कृष्ण की, नहीं राम की, नहीं भीम की, सहदेव नकुल की, नहीं पाठ की, नहीं राम की, नहीं राय की, नहीं रंक की, नहीं तेग तलवार धर्म की, नहीं किसी की, नहीं किसी की,
धरती है केवल किसान की। देखिए कि किसानी के लिए, खेत खलिहान के लिए, मजदूरों के लिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कहने की बात की। धरती है केवल किसान की, सूर्योदय सूर्यास्त असंखो, सोना ही सोना बरसा कर मोल नहीं ले पाए इसका, भीषण बादल आसमान से गरज गरज कर धरती को न कभी हर पाए। बादलों को कहते हैं कि प्रलय कर देते हैं, लेकिन फिर भी अपनी धरती को नहीं हर कर, हमारी धरती को नहीं हर पाए। धरती को न कभी हर पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर उभर उभर कर आई है यह धरती ऊपर। आपने सुना होगा कि प्रलय में धरती भी डूब जाती है, बिल्कुल, लेकिन उसको भी वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। प्रलय सिंधु में डूब डूब कर उभर उभर कर आई है ऊपर। भूकंपों से यह मिट न सकी है, भूचालों भूकंपों से यह मिट न सकी है, यह धरती है उस किसान की, जो मिट्टी का पूर्ण पाती, यह धरती है उस किसान की, जो मिट्टी का पूर्ण पारथी, जो मिट्टी के संग साथ ही तप कर जी कर मर कर खपा रहा है जीवन अपना, जो मिट्टी के संग साथ ही तप कर जी कर मर कर खपा रहा है जीवन अपना, देख रहा है मिट्टी में अपना सपना, देख रहा है मिट्टी में अपना सपना, मिट्टी की गरिमा गाता है, मिट्टी की गरिमा गाता है, मिट्टी की मिट्टी के अंतस्तल में अपने तन की खाद मिलाकर। जरा देखिए इस लाइन को, मिट्टी के अंतस्तल में अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, खुद जीता है, यह धरती है उस किसान की। केदारनाथ जी की है।